क्या कहेंगे आप, अभी नवीन पटनायक से मिले थे। ये विपक्ष जोड़ो अभियान नहीं, ये अपना आंख फोड़ो अभियान है। ये विपक्ष का आंख फोड़ो अभियान है, ये जोड़ो अभियान नहीं है। कल मिले थे, क्या हुआ? कोई राजनीतिक चर्चा नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। ये केवल और केवल जनता को बरगलाने का, जनता को अपना चेहरा दिखाने का कि हम ये पाल में पाल कर रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इनका कोई वैल्यू लेस जिसको कहते हैं, आज के दिन में वो वैल्यू लेस है। राजनीति में उनकी पहुंच ही खत्म हो गई है। वो अपना पहुंच जमा करके किसी तरह से अपनी पहचान बना के रखना चाहते हैं 24 के इलेक्शन तक, ताकि हमको वोट मिले। लेकिन जनता जान रही है कि आज के डेट में ये वैल्यू लेस हो चुके हैं। लेकिन उनकी पार्टी तो कहती है कि पीएम मटेरियल हैं, उनमें सारे गुण हैं। भाई मैंने कहा जो जो गुण था वो जब हम लोग थे तो उस समय गुण, हम लोगों का गुण वो दिखाई पड़ता था। अब इनमें गुण कहाँ है? इनमें तो सब अवगुण ही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं। ये कितनों जाएं पहल करें, सबके पास जाएं, रोज जाएं, ये रोज जा रहे हैं अपनी चेहरा को जनता के सामने दिखाने के लिए और जनता को ठगने के लिए, जनता को ठगने का। अब इनमें गुण कहाँ है? इनमें तो सब अवगुण ही दिखाई पड़ रहा है, इसलिए इसमें कहीं दिक्कत नहीं। ये कितनों जाएं पहल करें, सबके पास जाएं, रोज जाएं, ये रोज जा रहे हैं अपनी चेहरा को जनता के सामने दिखाने के लिए और जनता को ठगने के लिए, जनता को ठगने का कि हम हैं, हम पीएम मटेरियल हैं। पीएम मटेरियल क्या रहेंगे आप? आपको तो अब वनवास लेना ही पड़ेगा। ये उस प्रदेश में जा रहे हैं जहां पर बिहारियों पर मारकर भगाने का भी आरोप लगा है, वहां की राजनीति भी उसके ऊपर बहुत जमकर भी। तो भाई वहां जाके राजनीति क्या करेंगे? वहां तो बिहार को भगाने का, जब इनके यहाँ पलायन हो रहा है पूरा बिहार से, गुंडागर्दी, हत्या, बलात्कार, नरसंहार, ये 2005 में जब रुका था, जब हमारी एनडीए की सरकार भाजपा के द्वारा आई थी, लेकिन आज फिर से पलायन हो गया। आज तो व्यवसायियों का पलायन, डॉक्टर का पलायन, मेधा जो है मेधा का पलायन हो रहा है बिहार से। इसलिए इस पलायन को ये रोकने में असफल रहे हैं। किसान पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, इसलिए बिहार से ये पलायन रोकने में पूरी तरह असफल रही है नीतीश कुमार। और ये मुझे लग रहा है कि इनका कहीं ना कोई बेपेंदा के लोटा बन गया, बेपेंदा का लोटा।